नमस्कार दोस्तों, द प्लान गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज की इस कड़ी में जो है कम लागत में फार्म हाउस बहुत अच्छा कैसे बनाएं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और हमने हमारे ही खेत पे एक फार्म हाउस बनाया है, जिसको हमने शुरू से आखिरी तक जो है इसका वीडियो अपडेट करके रखा है, और न्यू से लगा के जो इसकी पुताई तक कैसे इसको हमने काम किया है, और बहुत ही कम लागत में इसको बनाया है, और कितनी लागत में इसको बनाया है, इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछें, मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। और इस फार्म हाउस पे हमने जो दो रूम, एक हॉल और किचन, इसके साथ साथ में एक 16 फीट डाय का जो है स्विमिंग पूल बनाया है, जो कि देसी पद्धति पे है। आप देख रहे हैं कि जो मोटर चल रही है उससे भरता है, और उसको हम डेली यूज़ कर लेते हैं, और फ्रेश पानी जो है स्विमिंग पूल में रहता है, जो कि केमिकल रहित होता है और बहुत ही अच्छा होता है। तो मित्रों, चलिए देखते हैं कि इस फार्म हाउस को हमने किस तरह से बनाया, और पूरे अपडेट के साथ में चलिए देखते हैं। ये थोड़ा सा देसी लुक, थोड़ा सा मॉडर्न लुक को मिक्स करके ये बनाया हुआ है, और इसकी हर एक चीज़ के बारे में इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, और जिसमें हमने डायमेंशन से लगाकर इसका जो है स्ट्रक्चर कैसे खड़ा हुआ, और उसके बाद में कितना समय लगा और कितनी लागत लगी, ये सारी चीज़ों के बारे में आज चर्चा करेंगे। Thank you.
तो दोस्तों, इस फार्म हाउस में हमने सारी सुविधाएं दी है। एक छोटे से फार्म हाउस में इसमें एक झूला दिया है जिस पर मैं अभी बैठा हूँ, और अंदर भी मैं जाके दिखाऊंगा आपको। झूले के साथ साथ में जो ये रेलिंग दी है हमने, ये सीमेंट की बनाई है जो कि लकड़ी डिजाइन में दी है, और इसमें ऑक्साइड कलर लगाया है ताकि ये इसको डबल पेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़े। और यदि ऊपर देखेंगे तो ऊपर इंग्लिश कैवेलू का शेड पूरा लगा हुआ है, और लोहे की जो है इसमें इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया है, और थोड़ा कम ही इसमें लोहा लगाया है ताकि वजन ज़्यादा नहीं हो और कास्ट भी कम आए। और उसके साथ साथ में जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो ईंट की डिज़ाइन कटिंग की है, और हमने इसमें मस्टर्ड कलर का उपयोग किया है जिससे इसका उठाव अच्छा आया है, और ईंट की डिज़ाइन में भी थोड़ा अलग पैटर्न दिया है हमने। जो जनरली आप ईंट की डिज़ाइन देखते हैं वैसा नहीं है, थोड़ा सा अलग पैटर्न है, और वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ऐसे कैसे हमने जो है यहाँ पर जो खिड़कियों की जालियाँ दी है, ये भी पुराना पैटर्न है, मतलब देखे जाए थोड़ा सा एंटिक है, और ये भी बहुत सुंदर लगता है। तो चलिए मैं अंदर दिखाता हूँ क्या है। तो दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पर कि सामने ही हमने एक 20x20 का एक हॉल बनाया है। यहाँ पर ये पूरा 20x20 का हॉल है, और इसमें सामने जो है किचन बना दिया है, और किचन के साथ साथ में हमने एक अटैच टॉयलेट दिया है इसमें, और इसके साथ में चारों तरफ विंडो दिया वेंटिलेशन के लिए, और ऊपर भी आप दिखाएं ऐसा ये डिज़ाइन पूरा, ये देसी टप्पर की डिज़ाइन अंदर बनाया है, और बहुत ही खूबसूरत दिखता है ये लुक। और ये ठंडा भी होता है हमारे कंक्रीट के, यदि जो कंक्रीट के जो मकान बनते हैं उससे ठंडा भी होता है। इसमें दो बेडरूम बनाए हैं, और ये बेडरूम जो है एक ऐसा बेडरूम बनाया है जो अभी काम चल रहा है, और ये जो है 11x11 का एक बेडरूम है, ऐसा कैसा साइट में एक बेडरूम 11x11 का है, और दो बेडरूम एक हॉल और किचन इस तरह से ये बनाया हुआ है। तो दोस्तों, सारी अपडेट के साथ में आपने जो ये फार्म हाउस का वो नज़ारा देखा कि किस तरह से बनाया और कैसे कैसे हमने काम किया, आप मुझे उम्मीद है कि आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। यदि फिर भी आपके मन में कुछ प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको इसका उत्तर ज़रूर दूंगा। इसकी क्या लागत लगी वो भी ज़रूर बताऊंगा, और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही यूनिक वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहे द प्लांट गुरु पे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुँचाते रहे। तब तक के लिए नमस्ते।